यूके च चिरां तो बगैर दस्तावेजा तो रह रहे कच्चे लोगों को स्थाई तौर पर रहने का अधिकार देने एक लाख तो वध दस्तखत वाली दायर पटीशन से कल शामी बरतानिया की संसद च बहस हुई। इस बहस में दर्जन के करीब संसद मैंबर ने हिस्सा लिया। इस पटीशन से बहस की चेयरमैन स्टीवर्ट होसी ने की, कंजरवेटिव पार्टी के संसद मैंबर टॉम हंट ने पटीशन संबंधी जानकारी देंदिया कहा इस पटीशन से 1,03,440 लोगों को दस्तखत किए हैं। बहस की शुरुआत करदिया लेबर पार्टी के संसद मैंबर वरिंदर शर्मा ने कहा कि बगैर दस्तावेजा तो रह रहे लोगों तो देश को खतरा नहीं है। बहुगिनती लोग काम करन अपना ते परिवारों का भविख सुरक्षित करना चाहते हैं। अजिहे लोगों को कानूनी तौर पर इत्थे रहन अते काम करन दा अधिकार देना चाहिए है। इन्हां लोगों ने अपने हुनर अते तजर्बे नूं विकसित किया है। ये लोग देश लई अपना योगदान पाउण लई बेताब हैं। उन्होंने कहा कि इन्हां विचों 82% लोग कानूनी रस्ते दाखिल होए हैं जो बाद विच इस स्थिति च गए। तनमनजीत सिंह टेस्टी ने पटीशन की हिमायत में कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2008 लंडन मेयर होंदे हुए 2016 विदेश मंत्री होंदे हुए कहा सी कि 10 साल तो बाद समय तो रह रहे लोगों को पक्के तौर पर रहने का अधिकार दे देना चाहिए है, पर उन्होंने पिछले 2 सालों दौरान इस बारे कुछ नहीं किया। पटीशन के जवाब में प्रवासी नीति मंत्री कैविन फोस्टर ने कहा कि सरकार अजिहे लोगों को उत्साहित नहीं करेगी जो नियमों की उलंघना करते हैं, जबकि असं विश्व भर के हुनरमंद लोगों का सही ढंग नाल आने स्वागत करते हाँ। सरकार के सख्त रवैये ने एक बार फिर गैर कानूनी ढंग नाल रह रहे प्रवासी लोगों की आसा से पानी फेर दिता। दूजे पासे सरकार गैर कानूनी ढंग नाल रह रहे लोगों को वापस उन्हां दे देश भेजने लई वख-वख मुल्कां नाल समझौते कर रही है।